नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में कल बकरा ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा घर घर कुर्बानी की जाती है। इसी पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम बजरंग बहादुर को एक ज्ञापन भी सौंपा। इन लोगों का कहना है कि कुछ वर्ग विशेष के लोग इस पर्व का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर आपत्तिजनक बातें कर माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने खंडवा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जहां मुस्लिम समाज के एक युवा ने बताया कि यह ईद पर होने वाली कुर्बानी के जानवर का पहले से ही मेडिकल करा लिया जाता है और उसी जानवर की कुर्बानी की जाती है। इसी पर्व को लेकर मुस्लिम नेता ने और क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए सर, विदित है कि कल दिनांक को ईद उल अजहा का जो त्यौहार है वो बड़े खुलूस, मोहब्बत और आपसी अमन भाईचारे के साथ में मनाया जाना है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, मिलजुलकर बड़े प्रेम के साथ में इस त्यौहार को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। इसी के चलते अभी क्या हुआ है कि कुर्बानियों के ऊपर कुछ लोगों ने आकर कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह लिए हैं कि भाई ऐसे जानवर होना चाहिए, वैसे जानवर होना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएं कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, उसमें किसी प्रकार का मेडिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि हम लोग खुद ही उसको प्री मेडिकल कर देते हैं। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी शर्तों के हिसाब से ही जानवर लाया जाता है जो कुर्बानी के लिए होता है। उसके अंदर हम लोग, जैसे स्पेशली जो हमको बताया गया है कि भाई जो जानवर है वो लंगड़ा ना रहे, वो बीमार ना रहे, किसी प्रकार से अगर कोई फीमेल जानवर है वो जो है प्रेग्नेंट ना रहे, ऐसी कोई सिचुएशन, तंदुरुस्त और पूरे तरीके से अच्छा, और जो क्या बोलना चाहिए, जिसकी वेल्थ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, ऐसे जानवर का वहां पर कुर्बानी दी जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उठे छूटे कोई भी मैटर होते हैं, उठते और चले आते हैं, एक माहौल शहर के अंदर बनाने का काम करते हैं। तो ये जो माहौल बनाने का काम है मेरा, वो भाई लोगों से भी निवेदन है कि भाई आपस में अमन चैन के साथ में मिलकर त्यौहार बनाए, आपके त्यौहार हम बनाए, हमारे त्यौहार आप बनाओ, मिलजुल कर अपन लोग त्योहारों को मनाते रहे। शहर में माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये फालतू की अफवाहें उड़ाना, उल्टी सुल्टी मीडिया के सामने फालतू की बातें करना, ये माहौल बनाने से कुछ नहीं होता। तो ये देखकर बस यही बात थी जिसको लेकर हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब को एक आवेदन दिया है कि ये जो शहर के अंदर गुमराहियां फैलाने के काम हो रहे, जो नफरत फैलाने के काम हो रहे, इन पर नकेल कसी जाए। अब ये एसडीएम साहब को अभी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, वही लोग जाने, आप लोगों ने भी न्यूज बनाई है, जाने कौन कौन लोग हैं चिन्हित। तो ठीक है, लेकिन प्रेम फैलाएं, मोहब्बत बांटने निकले हैं हम, चेहरों से जाहिर है, हमारे रास्तों में कोई मैखाना नहीं आता।